पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं और वार्ड के जनता को मेरे ओर से जोहार और प्रणाम करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य कारण यह है कि मैं गुंदराव राव वार्ड नंबर 2 के पार्षद 2 के पार्षद से इस पद पर विगत 5 सालों से हूँ। केवल जनता का सहयोग और प्यार और कहीं ना कहीं मेरे कार्य को भी सहाया गया तभी मैं इस पद पर हूँ। इसलिए आप सभी जनता को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी वार्ड की जनता को मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस बार नगर निगम चुनाव के वार्ड पार्षद 2 से मेरी पत्नी सरिता देवी उम्मीदवार पे खड़ी हो रही है। अतः आप सभी मेरे वार्ड 2 के जनता से नम निवेदन है कि जिस तरह से आप लोग ने इस पद के लिए मुझे चुना, मुझे सम्मान दिया, उसी तरह मैं आप सभी फिर से उम्मीद करता हूं कि आप मेरी पत्नी सरिता देवी को एक मौका दे। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। जय जवाहर, जय झारखंड। आपने क्यों लिया पत्नी को खड़ा करने का निर्णय? इसलिए लिया कि अभी जो पहले पुरुष का सीट था एसटी में, इस बार महिला एसटी सीट कर दिया है, इसलिए अपना पत्नी को उम्मीदवार बनाए हैं। तो आपका जो कार्यकाल था उसमें क्या ऐसा रहा जिससे जनता खुश हो और इस बार आपकी पत्नी को चुने? मेरा 5 साल में 2 साल कोरोना काल में कुछ काम तो नहीं हुआ, लेकिन इस 3 साल में जनता के दरबार में इतना योजना लाए हैं कि जैसे बिजली हो, पानी हो, लाइट हो, सड़क हो, नली हो, गैस चूल्हा हो, वृद्धा पेंशन हो, इस तरह का मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाए हैं। और आगे जो छूटा हुआ कार्य हो सत्ता में और जनता का हित में, इस बार मेरा पत्नी सरिता देवी आती है तो छूटा हुआ कार्य है वो कार्य को भी पूरा करेंगे। वार्ड पार्षद 2 से उम्मीदवार मैं सरिता देवी। पहले मैं आप सभी मीडिया बंधु और वार्ड की जनता को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय जवाहर। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस बार मुझे अपने पति के द्वारा वार्ड 2 से नगर निगम चुनाव के लिए खड़ा किया गया है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। आप मुझे एक मौका दे ताकि मैं लोगों की समस्या को समझूं, जानूं और उसका समाधान करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो को विशेष ऐसा योजना है जो 16 शौचालय हमारा क्षेत्र में मिसिरगोंदा में नहीं है, वो भी योजना लाए हैं, लेकिन उसके लिए जमीन चिन्हित नहीं पाया। केंद्र बिंदु जो मिलना चाहिए 16 शौचालय के लिए वो मिला नहीं है, वो कार्य मेरा छूटा दिख रहा। और ऐसा भी बहुत सभी कार्य है कि थोड़ा मोड़ा छूटा हुआ है, उसको भी पूरा कर देंगे। और यहाँ अभी पोल में लाइट जो वेपर लाइट लगती है वो आई नहीं, निगम से हम लोग को मिला भी नहीं। देने का बात हुई थी कि हर वार्ड पार्षद को 200 लाइट देना है, लेकिन हम लोग को तो वार्ड में हर पार्षद को 50 ही मिला, तो हम लोग का 50 लाइट से हम लोग का पूरा नहीं हो पा रहा है। जनता का गली गली में पोल खूटा लगी हुई है, तो लाइट का भी थोड़ा समस्या भी है। बहुत सारे वार्ड में यह शिकायत मिलती है कि वहाँ कूड़े का उठान नहीं होता है समय से। एक्चुअली में ऐसा है कि निगम में हम लोग के पास गाड़ी का भी सुविधा नहीं है, जैसे होना चाहिए। मेरा वार्ड में गली कम से कम 335 गली है, गाड़ी है मेरा पास मात्र 5, ट्रैक्टर है 3। इसमें से थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम बोले हैं कि 2 दिन बाद 1 दिन बाद जाइए कचरा उठाइए,
और उसके बाद भी नगर आयुक्त को लिख के चिट्ठी दिए हैं कि मेरे वार्ड में गाड़ी का संख्या, लेबर का संख्या बढ़ाई जाए। लेबर गाड़ी के कारण मेरा वार्ड में कहीं कहीं पर कचरा उठाने में कठिनाई हो रही है, इसके लिए हम लिख के आवेदन दे दिए हैं। पिछले नगर आयुक्त और पार्षदों के बीच खींचतान बहुत देखी गई थी, अभी जो नगर आयुक्त हैं उनके साथ कैसा तालमेल बैठ रहा है? अभी जो नगर आयुक्त आए हैं बहुत ही अच्छे हैं और अच्छा ही सब पार्षद से मिलजुल के रहते हैं और काम भी अच्छा ही कर रहे हैं। हम लोग को समस्या को समझ रहे हैं, जो जो हम लोग को समस्या था उनके पास रखे हैं, तो बोला ठीक है बहुत जल्द हम उपलब्ध करवाएंगे बोल रहे हैं। तो यदि आपकी पत्नी जीत जाती हैं तो आप इनका साथ देंगे या अपने अन्य काम में आप लग जाएंगे? पत्नी को जब तक अभी नया नया है, इसको तो हमको कुछ समय देना ही पड़ेगा। जब अपने से सब कुछ जान जाएगी समझ जाएगी उसके बाद बोलेंगे, हमारा भी कुछ बिजनेस है, अपना बिजनेस को हम देखेंगे, वाइफ अपना निगम। कुछ शिकायतें होती है कि कुछ काम के लिए पैसा लिया जाता है, क्या आप जनता के साथ वैसा किए या जनता काम किए? देखिए यहाँ मेरे वार्ड में विपक्ष भी लोग बहुत हैं, तब की बार चुनाव लड़े थे 11 कैंडिडेट थे, उसमें से तो अभी एक दो जो हार चुके हैं उम्मीदवार जो थे, दो चार को पार्षद भी मेरा विपक्ष में बोले हैं कि रोड नली नहीं बना है, उनका घर पास भी बनाए हैं। एक अनिल उराव जी थे, उनका घर के सामने नली रोड भी बनाए हैं, प्रेस मीडिया के सामने बोला कि कुछ काम नहीं किए हैं। आज मीडिया बंधुओं से आपसे अनुरोध है कि आप जिधर से आएँ रोड और नली देख लीजिए कैसा है। 94 में रोड ये नली बना था, सांसद जी बनाए थे, ये अटल जी जब प्रधानमंत्री थे और हम लोग का सांसद थे रामटहल चौधरी जी, उस टाइम का रोड बना हुआ था आपका 84 के बाद हम लोग को जर्जर रोड और नली था। आज हम कालीकरण रोड पूरा अपना क्षेत्र में कर दिए अपना वार्ड में, और कहीं कहीं छूटा हुआ वो भी कार्य नेक्स्ट बार कर देंगे। इस बार हम लोग को नागरिक सुविधा में भी नहीं आया है पैसा, तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि काम पूरा हो। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।